मुसलमान भारी तादाद में चिराग पासवान जी के दीवाने हुए हैं। चिराग पासवान की निश्चित है, अब यहाँ मार्जिन की लड़ाई है कि कितना ज्यादा हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं। हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं। विरोधी के जमानत जब्त हो जाएगा, विरोधी यहाँ कोई है ही नहीं, झूठों के पोस्टर उस्टर टंगवा लिया है। अगर एमवाई समीकरण होता तो सिवान से हिना साहब की वाइफ रोड पे नहीं होती। आज यादव समाज को जो नौकरी मिल रही है वो बाइलॉग के जरिए, रामविलास पासवान के जरिए मिल रही है। आगरा ना पछड़ा ना ऊंचा ना नीचा, एक ही फैक्टर है चिराग पासवान। हर बिहारी युवा को जिसे सम्मान दिलाया उसका नाम है चिराग पासवान। यहाँ पे न हिंदू है न मुस्लिम है, यहाँ केवल चिराग है। धन्य है चिराग पासवान की ऐसी जनता मिला, ऐसे जन समर्थन मिल रहा है। पार होगा या सुपरा पार होगा। सबसे पहले आज जो जन सैलाब हाजीपुर की महान जनता का जो उभर के सामने आया है, हाजीपुर के तमाम आवाम को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको शुक्रिया अदा करता हूं जितनी भारी तादाद में आप लोगों ने आया। दूसरी बात, मुसलमान चिराग पासवान जी के रास्ते मोदी जी के साथ यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं। पिछले नामांकन के दिन से आज तक मुसलमान भारी तादाद में चिराग पासवान जी के दीवाने हुए हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम लोग चिराग जी के साथ हैं और एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एक रिकॉर्ड मत के साथ एक जब रिजल्ट 4 तारीख को आएगा तो उसमें साफ झलकेगा कि तो मुसलमानों की भागीदारी क्या रही हो, कोई छुपने वाली चीज नहीं है। क्या कहिएगा, विपक्ष कहती है कि सुपरा साफ कर देंगे। देखिए, कहने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं इसी से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हाजीपुर में क्या होने वाला। जीत चिराग पासवान की से कितना वोट आएगा, क्या अंदाजा है? जीत वही आपको बता रहा है कि जीत चिराग पासवान की निश्चित है, अब यहाँ मार्जिन की लड़ाई है कि कितना ज्यादा हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं। हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके चाचा जी को टिकट नहीं मिला, चिराग जी लड़ रहे हैं। चाचा जी वो भी गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में वो भी है, साथ में है बिल्कुल। टिकट मिलना, लेकिन वो नाराज है, कहीं ना कहीं नाराज है। अच्छा, नाराजगी वो तो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन बेटों को भी टिकट नहीं मिला। बेटा नहीं, भतीजा, उनका भतीजा को टिकट नहीं मिला। हाँ, तो वो देखिए, वो उनका पारिवारिक मामला है, वो पारिवारिक मामला क्या है। मोदी जी के साथ पशुपति पारस जी अभी उनके नॉमिनेशन में प्रचार कर रहे हैं, कौन सा चिराग जी के साथ एक बार भी नहीं दिखे। चिराग जी के साथ उनका अलग क्षेत्र है, इनका अलग क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। मोदी जी के थे यहाँ पे, थे तो इस बार टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाए, कुछ कारण होगा। जी बीमार चल रहे हैं, एज हो गया, उम्र का प्रभाव है, उम्र हो गया है। अब बुढ़ा अवस्था में कितना जगह दौड़ेंगे बेचारे, उम्र की अवस्था में है, एक जगह प्रचार कर रहे हैं। एक बात, चिराग जी लड़ रहे हैं, अगर ज्यादा वोट आएगा कि वो लड़ते तो ज्यादा वोट आएगा। अरे चिराग का आंधी है भाई, 5 लाख पार है, 5 लाख से ऊपर से जीतेगा। विरोधी के जमानत जब्त हो जाएगा, विरोधी यहाँ कोई है ही नहीं, झूठों के पोस्टर उस्टर टंगवा लिया है, विरोधी के कोई नेता है नहीं। चिराग पासवान जी के अगर पशुपति पारस जी नाराज रहते हैं तो कहीं उनके अगेंस्ट में वोट मांगते ना? आप कहीं देखे हैं? आप कहीं देखे नहीं मांगे, समर्थन भी तो नहीं दिए। बिल्कुल समर्थन एनडीए को दिए हुए हैं, एनडीए को मिला, चिराग को नहीं मिला। ठीक है, आपका कहना क्या है कि वो विरोध में है? आपको कहना क्या है विरोध में है? कहीं से वो विरोध में नहीं है और नाराज नहीं है। इंडिया गठबंधन को ना हार की डर सता रही है, इसलिए अनाप शनाप बयान बना। चलिए भैया, क्या नाम हुआ? मोहम्मद शब्बीर अनवर अकबर। मुस्लिम है जी? जी मुस्लिम है। अरे तो क्या जातिवाद नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, जातिवाद क्यों करेंगे, हम लोग अभी बिहारी फर्स्ट डिविजन पे चल रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि जो है जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब इंडिया के साथ है। नहीं, कौन कह रहा है इंडिया के साथ है? पूरा है वैशाली जिला के जितने भी माइनॉरिटी, जितने भी मुस्लिम है। एमवाई समीकरण नहीं रहा, अभी एमडी समीकरण चल रहा है। एमवाई समीकरण नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? लगातार कहते तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव के कहने से होगा? जो यहाँ की जनता है, जो आवाम है यहाँ पे, जो यहाँ आवाम है, ये जो आवाम है, वो आवाम जहाँ जाएगी वो होगा तेजस्वी करने का। पिछले बार 0.8 हुए ना, 19 में भी कह रहे थे कि बहुत भारी संख्या में हमारे पास सीट आ रहा है। कितनी सीट आई? 1, 2, 3, 5, कुछ शून्य, एक सीट आई, वो भी कांग्रेस को। अगर एमवाई समीकरण होता तो सिवान से हिना साहब की वाइफ रोड पे नहीं होती। कहाँ से एमवाई समीकरण आ गया? कहाँ से आया एमवाई समीकरण? अगर एमवाई समीकरण अगर होता तो आज सिवान से हिना साहब की वाइफ नहीं होती रोड पे, निर्दलीय नहीं लड़ती, तो एमवाई समीकरण कहाँ है, दिखाइए आप हमको। एमवाई क्यों है भाई? एमवाई कहाँ से है भाई? कहाँ से आप लोग कहेंगे भाई? ये तो वोट की राजनीति, लगातार खरीद एमवाई की पार्टी है। एमवाई की पार्टी क्यों? एमवाई की पार्टी है भाई,
हम मुसलमान हैं, हमको जिसको हक होगा हम उसको वोट देंगे। क्या हम उनके पीछे हैं क्या कि मेरे घर का राशन भर रहे हैं? भैया MY की पार्टी होती तो आपको सीधा एग्जांपल दिखाया, अभी मैंने समझाया, अगर आप समझदार हैं तो समझिए। राजद के फाउंडर मेंबर से थे शहाबुद्दीन साहब, उनकी वाइफ आज जो है रोड पर निर्दलीय लड़ रही है, तो कहां से MY की पार्टी हो गई? अगर MY की पार्टी होती तो पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ रहे थे, वहां वो नहीं कहते कि NDA को वोट कीजिए। क्या वहां मुसलमान नहीं है? पूर्णिया में मुसलमान नहीं है, है ना? तो क्या कहा गया तेजस्वी यादव? क्यों बोलते हैं कि MY की पार्टी है? अब वो समीकरण चला गया, अब मुसलमान बेवकूफ बनने वाला नहीं है, अब हम लोग देश के साथ है। क्या कह रहे हैं? 1989 याद करें, मंडल आयोग जब रामविलास पासवान ने लागू किया था, उसी से आज बैकवर्ड के लोग इतनी नौकरी में है। आज यादव समाज को जो नौकरी मिल रही है वो 2 लाख के जरिए रामविलास पासवान के जरिए मिल रही है, जो मंडल यादव के जरिए नहीं मिलती। लालू यादव क्या थे? क्या लालू यादव ने मंडल कमीशन? लालू यादव तो विरोध में थे, लालू पर यादव से क्या लेना देना? ऐसे पूछिए लालू यादव का रीजन, तो छोटा छोटा बच्चा बोलेगा आपको कि जंगल राज था वो। आज माँ में रामविलास जी मंत्री थे, मोहम्मद साहब की जन्मदिन पे कोई छुट्टी नहीं थी, हमारे रसूल की जन्मदिन की कोई छुट्टी नहीं थी, रामविलास पासवान ने केंद्रीय छुट्टी कराई। अच्छा अच्छा, हाजीपुर का बात करेंगे, क्या लग रहा है क्या होगा हाजीपुर में? हम लोग रिकॉर्ड टूटेगा जैसे आदरणीय रामविलास पासवान फिर इतिहास रचेगा हाजीपुर। लगता है नहीं, तय हो गया है, तय है, विजय है। क्या कह रहे भैया? ना आगरा ना पछड़ा, ना ऊंचा ना नीचा, एक ही फैक्टर है चिराग पासवान। हर बिहारी युवा को जिसे सम्मान दिलाया उसका नाम है चिराग पासवान। बिहारी अस्मिता की जिसने बात किया वो है चिराग पासवान। आप जात पात की बात कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये बात करिए, एक ही फैक्टर है चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? क्या कहिएगा? हाजीपुर में जो है एक जन सैलाब देखने को मिला, अलग है पूरा हाजीपुर। हाजीपुर एक ऐसा मतलब कि ये लोकसभा है पूरे बिहार में या देश में कहिए कि यहाँ पे न हिंदू है न मुस्लिम है, यहाँ केवल चिराग है, ठीक है। और जितने भी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, आप देखिए हमारे साथ हर एक जाति धर्म मजहब के लोग हैं, आप अपने कैमरे से दिखा सकते हैं। और आप ये समझिए कि यहाँ पे भाईचारा इतना बढ़िया चल रहा है कि इसकी मिसाल आप देख सकते हैं हर एक जगह में। और इस बार रिकॉर्ड मत से चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर यहाँ से गति देगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे, यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ केवल चिराग है। सुप्रा साफ हो जाएगी, विपक्ष लगातार कह रही है। विपक्ष को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसका सुपड़ा साफ होने वाला है। पूरी तरह से विपक्ष धराशाही है, अब वो बहुत जल्द वो लोग ICU में जाने वाले हैं, उनका सुपड़ा पूरी तरह साफ है, यहाँ की जनता ने ठान लिया है। अच्छा, क्या पिछले बार सुपड़ा साफ कहा था, एक सीट मिली थी उनको शायद वो किशनगंज से। सर क्या, एक मिनट में सर क्या कहिएगा? हाजीपुर लग रहा है कि उतर चुका है रोड पे। जी, इस बार हाजीपुर रोड पे उतर गया है, और इस बार ऐसा दे के बुलाई गई है। ना 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 ना, ये जनता के दिल में जनता। और आपको बताऊं, चिराग के नाम पर, रामविलास पासवान जी ने, ये धन्य है हाजीपुर की जनता, और धन्य है चिराग पासवान कि ऐसी जनता मिला, ऐसे जन समर्थन मिल रहा है। और आपको बताए, इस बार दोनों बार का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, हाजीपुर विश्व के पटल पे आने जा रहा है। क्या कह रहे हैं? जैसे आपने कहा कि पैसा दे के बुलवाया गया।